बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में मैंने विद द हेल्प ऑफ लैग्रेजियन मल्टीप्लायर आपको कंस्ट्रेंट को ऑप्टिमाइज करना सिखाया था। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक अल्टरनेट मेथड भी हमारे पास, ये उस लैग्रेजियन मल्टीप्लायर की निस्बत जरा छोटा मेथड भी है, इसे सब्सटीट्यूशन मेथड कहते हैं या मैथमेटिकल अप्रोच कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने वही प्रीवियस वीडियो वाली ली है ताकि पता भी चल जाए आपको कि उस मेथड से और इस मेथड से वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता या मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वही सेम एग्जाम्पल की मैंने वैल्यूज ले ली हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड में स्टार्ट हमने लेना होता है इस कंस्ट्रेंट फंक्शन में, इस कंस्ट्रेंट फंक्शन को एक्स या वाई के लिए सोल्व करना होता है। मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ फॉर एक्स, तो एक्स इक्वल 24 माइनस 2y, एक्स की ये वैल्यू निकल आई। इस एक्स की वैल्यू को बेसिक फंक्शन में पुट करना होता है, तो बेसिक फंक्शन में जिस वक्त हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो बन जाएगा f इक्वल 5 24x 24 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर, ये आ गया। इसे सोल्व कर लेंगे, यहां पे होल स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, बाकी इस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके वो देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं। 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फार्मूले का a 24 है b 2y है प्लस 6y स्क्वायर माइनस ये y इससे मल्टीप्लाई हुआ 24y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2y का स्क्वायर, y से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 5 इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो 576 से मल्टीप्लाई हुआ 2880 प्लस 20y स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 48, इससे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 96, 96 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 480 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 2y स्क्वायर एज इट लिख दिया। इन तमाम टर्म्स को आपस में सॉल्व किया, 2880 प्लस ये 20y स्क्वायर 6y स्क्वायर 26y स्क्वायर प्लस 2 28y स्क्वायर, ये y है इधर माइनस 480y माइनस 24y माइनस 504y, तो इट कैन बी रिटन एज 28y स्क्वायर माइनस 504y प्लस 2880। ये आपका एक इक्वेशन निकल आई, इसे इक्वेशन ए कह दें। तो इस इक्वेशन को आप नाम भी दे सकते हैं f y 28y स्क्वायर माइनस 504y प्लस 2880, ये इक्वेशन ए है आपकी। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा f y ओवर dy इक्वल 2 से मल्टीप्लाई हुआ 56y माइनस 504, इसे इक्वल टू 0 पुट करना होता है हमने, इसे इक्वल टू 0 पुट किया 56y इक्वल आ गया 504 के, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 56 की इससे कटिंग हुई, y आ गया 504 over 56, इन दोनों की कटिंग हुई तो y की वैल्यू निकल आई 9। इस y की वैल्यू को इस x की इक्वेशन में पुट करेंगे 24 माइनस 2y, x था 24 माइनस 2y, तो y की वैल्यू पुट की 24 माइनस 2 इंटू 9 18, 24 माइनस 18 x आ गया आपके पास 6 जी। ये आपने y और x की वैल्यूज निकाल ली। अब फंक्शन मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के लिए आपने चेक कर लेना है कि सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये जो आपने इक्वेशन ए का जिसे नाम दिया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एफ स्क्वायर वाई इक्वल डी वाई स्क्वायर
इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो 56 आ गया, इसका जीरो हो जाएगा, तो 56 ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो आंसर जिस वक्त भी ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन आपका हो जाता है मिनिमाइज। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर वाले मेथड में तो फार्मूला था, फार्मूले में वैल्यूज पुट करके अगर आंसर लेस देन जीरो निकल आए तो उसे हम कहते थे मिनिमाइज। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन मिनिमाइज है, सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आ जाता तो उसे कह देना था हमने फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो निकल आए तो वो फंक्शन ना मैक्सिमाइज है ना मिनिमाइज है, वो फिर उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो लास्ट पे डिसीजन दे देते हैं, एट एक्स इक्वल 6 एंड वाई इक्वल 9 सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। सो फंक्शन इज मिनिमाइज्ड आंसर। ये कॉन्सेप्ट लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से सिंपल है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ भी लग गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।